नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी रिक्वायरमेंट 2019 के बारे में, जो वैकेंसी निकली है, यानी कि जीई यानी कि जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी अभी निकली है, उसके फॉर्म यहाँ पर भरे जा रहे हैं। तो यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि आपको फॉर्म जेई का फॉर्म खुद भरना है अपना, तो बिना कोई गलती किए तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे और कहाँ से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, आप जाएं गूगल पर, तो सभी लोग आ ही जाते हैं, तो गूगल पर डायरेक्ट आप पर यहाँ पर आपको सर्च करना है आरआरबी रिक्वायरमेंट। दोस्तों, आरआरबी आपको रिक्वायरमेंट सर्च करनी है। रिक्वायरमेंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। दोस्तों, आप देखेंगे ये यहाँ पर बहुत सारी साइटें ओपन हो जाती हैं, लेकिन दोस्तों आपको कोई भी फालतू साइट पर क्लिक नहीं करना है, आपको केवल ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट आ चुकी हैं, तो आपको यह पता कैसे चलेगा कि यह ऑफिशियल वेबसाइट है? ठीक है दोस्तों, आप इसको नीचे देखिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है www.rrbcdg.gov.in। दोस्तों, यह ऑफिशियल वेबसाइट का की निशानी होती है, क्यों देखिए ये भी ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर आप क्लिक करेंगे तो न्यू ओपन हो जाएगी, आपको सब में ऊपर यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो एक सामने आपके दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी, देखिए यह ओपन हो जाती है वेबसाइट। अब करना क्या है आपको, फॉर्म कौन सा भरना है, आपके लिए फॉर्म भरना है जेई का। दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए कहाँ पर उसकी लिंक यहाँ पर आई हुई है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए यह वाली लिंक है, आपको यहाँ पर लिखा है कि क्लिक क्लिक हेयर फॉर एप्लीकेशन लिंक रिक्वायरमेंट JEE JEE IT। ठीक है, यानी कि जूनियर इंजीनियरिंग की लिंक जो आप हैं यहाँ पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर करना है क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर ठीक है यहाँ पर आपको करना है क्लिक, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन दूसरी न्यू ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आपको मेन अब आ जाओगे आप, जहाँ पर आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, न्यू विंडो ओपन होने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर अपना काम आता है कि आपको जो फॉर्म भरना है वह किस जोन से भरना है। बहुत सारी यहाँ पर जोन आ जाती हैं, जितनी भी जोन यहाँ पर हैं सभी यहाँ पर आ जाती हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ से भी आपको भरना है, भोपाल, अहमदाबाद, बेंगलोर, जहाँ से भी आपको भरना चाहते हैं, या जहाँ के आप हो, भोपाल, जम्मू कश्मीर, सिकंदराबाद, रांची, गुवाहाटी, बेंगलोर, जहाँ कोलकाता, बिलासपुर, भुवनेश्वर, जहाँ पे तिरुवनंतपुरम, जहाँ से भी आपको भरना चाहते हो आप भर सकते हैं। मैं तो दोस्तों मध्य प्रदेश का हूँ, तो मैं भोपाल से ही भरूंगा। ठीक है, मैं भोपाल से भरने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए फिर एक न्यू विंडो ओपन हो जाती है, तो जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगी कि यहाँ पर बाजू में कन्फर्म लिखा आ रहा है। ठीक है, ये विंडो इसलिए आती है दोस्तों आपके लिए बता दें, इसमें लिखा जो वैकेंसी की टेबल रहती है इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करके आप वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कितनी वैकेंसी किस जोन में या फिर किस अलग अलग टाइप की है, किस किस टाइप की कितनी वैकेंसी हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। आपने देख लिया तो आप यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, देखिए न्यू विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे कि यह फॉर्म कब से भरा जाना है। तो दोस्तों, ओपनिंग डेट है यहाँ पर 2 जनवरी 2019 से 10 बजे से। ठीक है, और क्लोजिंग डेट है 31 जनवरी 2019 तक, यानी कि ये फॉर्म है भरे जा रहे हैं, ये 2 जनवरी से भरे जा रहे हैं और 31 जनवरी तक भरे जाएंगे। और दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट, पेमेंट किस किस से कर सकते हैं, पेमेंट आप कर सकते हैं इसकी नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से और डेबिट कार्ड से। आप इन तीनों माध्यम से अपना पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप और ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप SBI बैंक जाकर चालान बनवा कर चालान भर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको पेमेंट करने के लिए बहुत सारी विधि हैं यहाँ पर अवेलेबल, ऑनलाइन भी आप पेमेंट कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए आपके पास नेट बैंकिंग होनी चाहिए, या फिर आपके पास क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड होने चाहिए, और ऑफलाइन के लिए आप तो ओनली SBI बैंक चालान या फिर पोस्ट ऑफिस चालान द्वारा
भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नीचे, चलते हैं क्या लिखा है, देखिए नीचे आप इस पे देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर कुछ निर्देश नियम और निर्देश दिए होते हैं जो कि आपको पढ़ना, यह होता है कि जो अपना नाम रहता है भाई बहुत अच्छे से भरें, पूरी डिटेल रहे, जैसे कि नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार कार्ड, यह बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी और उसके बाद दोस्तों रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा आपका। बिल्कुल बहुत दोस्तों यहाँ पर जानकारी रहती है, आप पूरी जानकारी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद ही इसके बाद आगे अपने रजिस्ट्रेशन या फिर इस पर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप यह पढ़ चुके हो तो आप देख लीजिए, दो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर आते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन और दूसरा है ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों आपको बता दें कि यदि आपने पहले से ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन या फिर RRB का फॉर्म भरा हुआ है, जैसे कि ALP का या फिर ग्रुप डी का फॉर्म जितने भी भरा हुआ है, उनकी ID और जो पासवर्ड होता है वह सेम होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑलरेडी हो तो आप ऑलरेडी पे क्लिक करके अपने लॉगिन पासवर्ड से इस पर लॉगिन हो सकते हो, और यदि आपके पास नहीं है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर सकते हो। तो मैं आपको बताने वाला हूँ न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में दोस्तों। आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है तो एक दूसरी विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जैसे यहाँ पर विंडो ओपन होगी, आपको फिर यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन आ रहा है, तो आपको क्या गलती की दोस्तों, आपको जो कोने में ये बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना, ऐसे इस पर टिक कर देना है। ठीक है, जैसे कि अपन यहाँ पर टिक कर दिया तो उसके बाद यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करोगे तो आगे की प्रोसेस बढ़ जाएगी। ठीक है, आप देख लीजिए ये पेज खुल जाता है दोस्तों। इसमें बहुत ही सावधानी पूर्वक अपना यहाँ पर फॉर्म भरना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ बता दें कि आपना जो नाम भरना है भाई 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से भरें, जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में जो स्पेलिंग दी हुई है भाई यहाँ पर फिल करें। जैसे कि मैं यहाँ पर भर कैपिटल में सभी को यहाँ पर भरना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से रीनेम करना है, यानी कि जो नाम ऊपर भरा है वही नाम आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, सेम टू सेम भरना है, कोई भी मिस्टेक नहीं, जो भी आपकी 10वीं की मार्कशीट पे यहाँ पर नाम दिया है वह नाम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जी नाम भरा गया आपका, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो भी आपकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हो। ठीक है, वहाँ पर आपको इस पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। देखिए मेरी डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ भी डाल दी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना आधार नंबर या फिर इनवर्ट नंबर डालना पड़ता है। आधार नंबर यदि हो तो आप यहाँ अपना आधार नंबर डाल दीजिए। मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि प्राइवेसी भी, क्योंकि आधार सब में पब्लिश नहीं हुआ, मैं इसलिए यहाँ पर अपना आधार कार्ड नहीं डाल रहा। आप अपना यहाँ पर आधार कार्ड डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरे यहाँ पर अपने पापा का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पर ठीक है, और बाकी की जान देगी यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर मदर्स नेम डालेंगे, यहाँ पर आप चुनेंगे आपकी बोर्ड कौन सी, आपने बोर्ड की है बोर्ड की या फिर जो 10वीं मार्कशीट की है, जो अभी आप लगा रहे हो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, यहाँ पर उससे डालना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना है, यहाँ पर दोस्तों ईयर्स का, किस वर्ष से आपने यहाँ पर पास की थी। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और री एंटर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना है। मैं आपको ये भी डाल के बता दे रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे माँ का नाम डालना है। देखिए अब यहाँ पर स्टेट बोर्ड बोर्ड की तरफ से है, तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड होंगे। आपने जो 10वीं या 12वीं की है किससे की है, CBSE से की है, स्टेट बोर्ड से की या फिर और कहीं। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर की है स्टेट बोर्ड से, यानी मध्य प्रदेश बोर्ड से की है। तो मैं स्टेट बोर्ड डालूंगा यहाँ पर, अपना यहाँ पर रोल नंबर डालूंगा। ठीक है, नंबर 10 24। उसके बाद दोस्तों रोल नंबर डालने के बाद, जैसे आप यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर सीआर कब आपने यहाँ पर
की थी, तो कब की थी तो आप वहाँ डाल सकते हैं। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर 2010 में की थी, 10वीं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों दोबारा से यहाँ पर आपको री एंटर, यानी कि देख लीजिए यहाँ पर मांग रहा है री एंटर मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दोबारा से डालना है। उसके बाद दोस्तों बचता है लास्ट वाला कॉलम, तो आपको यहाँ पर अपना क्या डालना है, ईमेल आईडी डालना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे, जो भी आपकी यहाँ पर ईमेल आईडी होगी। बिल्कुल साफ धीरे धीरे करना, बिल्कुल कोई भी यहाँ पर मिस्टेक नहीं मांगते, क्योंकि यदि मिस्टेक हो जाती है तो आपको सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशानी झेलनी पड़ती है। इसलिए दोस्तों आप बिल्कुल ही सावधानी से यह फॉर्म भरें, क्योंकि यह फॉर्म एक बार भरा जाता है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है फिर एडिट करने के लिए। इसलिए बहुत ही ज़्यादा सावधानी से आपको यहाँ पर यह फॉर्म भरना है। ठीक है, जैसे gmail.com। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जी, मेन बात यहाँ पर अब आ जाती है कि ओनली ए वाला लास्ट वाला कॉलम बचता है। तो दोस्तों इसमें आपको लास्ट वाले कॉलम में आपको क्या करना है, जो यहाँ पर बॉक्स में इमेज में जो आपको नंबर यहाँ पर दिख रहे हैं, वह नंबर ही यहाँ पर फिल करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपको बता यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वाई स्मॉल में वाई, सॉरी कैपिटल में भरा गया, लेकिन इसमें स्मॉल में फिर क्यू डी और एट। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको क्या कर इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, कहाँ पर नंबर डालने के बाद इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर कर देना है सबमिट पर क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करोगे, तो आपका है जो भी, यदि कोई आपने गलती की होगी तो आपको यहाँ पर पता चल जाए कि आपने कौन सी गलती यहाँ पर की है। देखिए यहाँ पर बता रहा है, प्लीज़ चेक द चेक बॉक्स एग्री टू यू हैव गोन्स जो भी अबाउट डिटेल, यानी कि जो भी आपने डिटेल कुछ मिस्टेक यहाँ पर की है, उसके बाद दोस्तों यहाँ भर सकते हैं। देखिए जो भी आपने यहाँ पर मिस्टेक की होगी, आप डायरेक्ट वहाँ पर यहाँ पर कुछ हो गया होगा, देख लीजिए, देखिए कौन कौन सी आपने मिस्टेक की है यहाँ पर, कोई भी यहाँ पर गलती नहीं की है दोस्तों, फिर भी ये बता रहा है। इसके बाद अपन देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पर क्लिक करके फिर से यहाँ पर सबमिट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा एप्लीकेशन नंबर पूरा का पूरा आ जाता है, देखिए जो इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी हो जाता है अपना। ठीक है, इसमें देख सकते हैं मेरा वोट डाला था आकाश कुमार पटेल, डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम, मम्मी का नाम यहाँ पर डाला था, स्टेट और रोल नंबर, सन, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, सब कुछ यहाँ पर हमने अपना डाल दिया था दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एडिट आपको क्या करना है, जैसे कि हमारे मम्मी का नाम में एम आगे लग गया, तो आपको यहाँ पर एडिट पर फिर से क्लिक कर देना, क्योंकि इसमें एम लग गया तो एम को हटाना है यहाँ पर। देख लीजिए वापस यहाँ पर जाइए, यदि आप पे से भी कुछ गलती हो गई तो आप यहाँ पर सुधार सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या सुधारना है, ये माँ का नाम अपन को यहाँ पर सुधारना है, तो दोस्तों माँ का नाम में एम लग जाता है, तो यहाँ पर लग गया, मतलब आपका तो नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद सब कुछ यहाँ पर सही, आप बहुत अच्छे से इसको चेक कर लीजिए कि हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद दोस्तों आप इस कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप अपना रजिस्ट्रेशन जो भी नंबर यहाँ पर बनेगा, ठीक है, इसके बाद दोस्तों न्यू विंडो आपके सामने ओपन होने वाली है। दोस्तों आपका लगभग आधा शक आधे से ज़्यादा काम यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि दोस्तों आपकी जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी सॉरी रजिस्ट्रेशन नंबर यह जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको लिख लें कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है दोस्तों, इसके बाद आपको लॉग इन करना है इससे। ठीक है, क्या नंबर है,
ठीक है, इसके जो नंबर रहता है दोस्तों, यह मेन नंबर रहता है, ठीक है। इसके बाद लेकिन ये कुछ, इसके बाद अपन का क्या कहाँ करना है, इसको ओके कर देना है। तो आप इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपने जो ईमेल आईडी रहती है उस पर एक पासवर्ड आया होगा, आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पर डाली है फॉर्म में उसका यहाँ पर पासवर्ड ओपन डालना, फिर एक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है, तो मोबाइल नंबर वाला ओटीपी यहाँ पर डालना। उसके बाद जो इमेज बॉक्स रहता है भाई, इमेज बॉक्स आपको यहाँ पर डालना है। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, आपने जो फॉर्म में ईमेल आईडी दर्ज किया है भाई, ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड आएगा, उसको आपको यहाँ पर डालना है। आपके एक मोबाइल पे भी ओटीपी कोड आता है, आपको सेकंड बॉक्स में डालना है, ठीक है। कहाँ पर? सेकंड बॉक्स मतलब इसमें डालना है। उसके बाद आपको जो इमेज में दिख रहा है यह इमेज में यहाँ पर डालना है। जैसे ही आप यहाँ पर डालोगे दोस्तों, आपके सामने सब कुछ वेरिफिकेशन हो जाएगा और आप अपना फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यह जैसे ही आप इसको करोगे तो आपका बिल्कुल कंप्लीट सब कुछ हो जाएगा। फिर आपको ओनली आपकी फ़ोटो अपलोड करनी है, ठीक है। जैसे दोस्तों आप अपनी फ़ोटो अपलोड करोगे तो आप अपना जो फॉर्म है भाई आसानी से इसमें भर सकते हैं दोस्तों। मेन रहता है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और आईडी, न्यू रजिस्ट्रेशन करना दोस्तों, मैंने वो यहाँ इस वीडियो में कंप्लीट बता दिया है। तो दोस्तों आप बिल्कुल निश्चित रहिए, इस टाइप से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो अब यहीं पर होता है समाप्त। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने चैनल शिक्षा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी हमारी तरफ से नया वीडियो आया नोटिफिकेशन आता है तो उसको तुरंत आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ ले सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।